आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले इक्वेशन वन और टू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू जीरो। ये 5 उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक्स के जो कोएफिशिएंट है 2 और 3, और वाई के कोएफिशिएंट है 3 और 1, और एक कांस्टेंट नंबर है उसको हम 1 बोलेंगे। तो माइनस 8 माइनस 5। फर्स्ट इस तरह से हम लिख के हमें x को फाइंड करना है। तो सबसे पहले x वाला पार्ट क्लोज करना है और ये दोनों के कोएफिशिएंट 3 1 माइनस 8 माइनस 5 इक्वल टू y को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 1 के कोएफिशिएंट है उसको हम लिखेंगे, तो क्या आएगा माइनस 8 माइनस 5, और x का कोएफिशिएंट 2 3 इक्वल टू 1। जब भी हम जिस पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट को हमें क्लोज करना है। यहां पर हम 1 फाइंड कर रहे हैं तो 1 को क्लोज करेंगे, तो यहां पर 2 3 3 1। अब सबसे पहले हमें यहां पर 1 by 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई माइनस 5। यहां पर रूल्स का माइनस आता है, रूल्स का क्या आएगा भाई माइनस। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आएगा माइनस 8 मल्टीप्लाई 1। सबसे पहले हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में बीच में माइनस, और ये दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। सेम y के अंदर तो यहां पर y इक्वल टू ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस। अब ये दोनों पार्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है, यहां पर उसका माइनस और 2 माइनस 5 इक्वल टू। अब 1 वाला पार्ट है तो ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 2 1 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 3 into 3। अब हमारे पास ये दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन माइनस 15। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू y। 8 3 जा माइनस 24, माइनस माइनस प्लस 10 इक्वल टू 1। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 8 गिवन आंसर -7। y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 10 देन माइनस 40 इक्वल टू 1 2 माइनस 9, तो -7। यहां पर सबसे पहले दो पार्ट को आप लोगों को कंपेयर करना है, x और 1 को। तो यहां पर x -7, तब बीच वाले पार्ट को हम क्लोज करेंगे, तो यहां पर 1 upon -7। x इज इक्वल टू चेंज द साइड -7 upon -7, माइनस माइनस प्लस कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। सेम y को हम फाइंड करेंगे, तो y को फाइंड करने के लिए आप लोगों को x को क्लोज करना है और ये दोनों को कंपेयर करना है। तो यहां पर y -14 इक्वल टू
1 अपॉन माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन माइनस 7, माइनस माइनस प्लस कट 2, तो y इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमारे पास x और y दोनों के आंसर 1 और 2। तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसे